लिफ्ट से आप जब बाहर निकले तो यहाँ बैठ के हवा ले ले। अम्मी पसीना सुखा रही हैं अपना, सुखा ले सुखा ले। सो गाइस 20 मिनट हो गए, बाजी अभी तक नहीं आई और अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि कहाँ है। रश देख रहे हैं आप लोग कितना है मॉल में, इतना रश, औरतें पागल हुई हैं, सारी पैन पे पैन पकड़े जा रही हैं पकड़े जा रही हैं। मैंने कहा अम्मी चक्कर गया, पा जाके पता चला गया भाई यहाँ का फ्लैट 50। ये दोनों सेम साइज़ के हैं और ये जो है हमने दो लिए हैं, ठीक है भाई। इनका ये ओ, इनके अंदर ये क्या आ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है संडे, ठीक है भाई। और सबसे पहले तो आप लोगों को लाइट के वजह से अपडेट कर दूं भाई, कल जो हमारी लाइट गई थी आज वो सुबह 4:30 बजे के करीब आई है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप लोगों को लाइट के बारे में बता दूँ कि भाई इतना कोई लंबा प्रॉब्लम आ गया था जिसको हल करते करते 24 घंटे से ऊपर हो गया, सही है। खैर अनदर न्यूज़ भाई, आज का दिन हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने और अम्मी ने सबसे पहले तो बहुत ही दिनों के बाद जो ना साथ बैठ के चाय वाय पी नाश्ता किया, सही। उसके बाद फिर मैं अम्मी को ले गई किचन में, मैंने कहा अम्मी किचन की ड्रॉर सही करनी है, बस आज ये काम करवा लें वरना ये काम ऑलरेडी बहुत डिले हो रहा है, पेंडिंग में जा रहा है। सो खैर मैंने और अम्मी ने जो है वो मिलकर अपनी सारी वो ड्रॉर्स वगैरह सही की, हमने पूरी ड्रॉर्स की सफाइयाँ की हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो चुका है गाइस, ठीक है। सो बस उसके बाद नमाज पढ़ी, इलाज वाज करके नहा धो के अभी फारिग हुई, तो मैंने कहा चले आप लोगों से कर लेते हैं कनेक्ट। सो भाई ये थी हमारी अब तक की अपडेट जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है, ठीक है भाई। सो रिमेनिंग आज का दिन है हमारा, क्या करना है हमें वो मैं आप लोगों को बता दूँ आज के ब्लॉग में, सही गाइस। तो चलें फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है, सही है, आ जाए फिर। जी गाइस, सो भाई कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने कहा फिर आप लोगों से करती हूँ बात, क्योंकि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ तो फिर भाजी जो है वो नाराज़ होती है भाई तुम लोग जो है डिले बहुत करते हो, सही है। सो खैर एनी वेज गाइस, अभी हम जो है वो जाने लगे हैं कुको के घर, ठीक है, मुझे और अम्मी को जाना है वहाँ पर भाई। एक रीज़न तो ये कि उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो वो हमें मिलने जाना, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि अम्मी जब आई तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद शुगर उनकी हाई चलती रही तो वहाँ पर जाना ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका जो है वो स्टेयर्स चढ़ के जाना था ऑब्वियसली। फिर अम्मी कहती थी मेरे में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं स्टेयर्स चढ़ूँ, अभी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो हमें चलो बस आज जो है वो मिलके आ जाए उनको, सेकेंडली ये कि भाई उसके बाद हम लोगों को उधर जाना है बाज़ार, काम है कुछ एक दो चीज़ें लेनी है। तो खैर अभी फिलहाल बाजू जो है वो हमें उनके घर ड्रॉप करेगी, उसको कहीं और जाना है वो वहाँ चली जाएगी, फिर वो वहाँ से दोबारा से हमें पिक करेगी, सही है। तो आजकल मैं इस तरह से खा दे रही हूँ क्योंकि जितनी गर्मी हो रही है वो ऐसा लगता है किसी ने फंदा बांध दिया गले में, सही है। ऑफिस में जिस तरह से पहन के जाते हैं वो मुझे ही पता है, सही है। तो खैर अभी बस फटाफट से निकलते हैं, पसीने देखें आप कैसे आ रहे हैं, बहुत ही गर्मी है भाई, बहुत शदीद गर्मी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों लिफ्ट जो है वो फंक्शनल है, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हम अकेले हैं लिफ्ट, बड़ा मजा आता है जब लिफ्ट में अकेले होते हैं। गाइस ये देखिए लिफ्ट से आप जब बाहर निकले तो यहाँ बैठ के हवा ले ले। अम्मी पसीना सुखा रही हैं अपना, सुखा ले सुखा ले। जी गाइस, सो भाई हम लोग हो चुके हैं फारिग, ठीक है भाई, और बस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं कारफोर, ठीक है, लकी वन में। आज जो है बाजी का प्लान बना गया भाई, आज मुझे कारफोर जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो भाई हम फाइनली पहुँच चुके हैं लकी वन, ठीक है भाई। अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाजी का, बाजी जो है वो गाड़ी पार्क करने के लिए गई है, आज बहुत ज़्यादा रश है तो कहीं पार्क में टाइम लगेगा। हम लोग को बाजी ने यहाँ पर उतार दिया और हमारे बिल्कुल सामने जो है कारफोर है, बस अभी बाजी आएगी तो फिर हम लोग एंटर करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, बाजी अभी तक नहीं आई और अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि कहाँ है। रश देख रहे हैं आप लोग कितना है मॉल में। मेरी बाजी से बात हुई है, बाजी कह रही है पार्किंग ही नहीं मिल रही है, इतना ज़्यादा पार्किंग एरिया फुल है कि कहीं पार्किंग का स्पेस ही नहीं मिल रहा है। अब वो कह रही है कि वैले में गाड़ी देनी पड़ेगी, फिर वहाँ से जो है वो अंदर आएगी, और अभी तक उसने वैले वाले ने गाड़ी भी नहीं ली है। अब मैं चेक करने जा रही हूँ भाई उसको कहाँ है, कितना टाइम लगेगा। गाइस वो देख रहे हैं आप लोग कॉर्नर पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है भाई। वो बंदा मान ही रहा था, कह रहा है मैं नहीं लेके जा रहा गाड़ी, मैंने कहा भाई आप प्लीज़ ले जाए, कह रहे हैं बाहर लेके जाए, बाहर से दोबारा से एंटर करें, मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा, आप प्लीज़ हमें साथ कोऑपरेट करें हमारे साथ, और ये कि गाड़ी आप यहीं से पिक करके इसको पार्किंग कर लें। तो गाइस फाइनली वो भाई मान गए, अब हमारी गई ये गाड़ी पार्किंग में, अब हम लोग अंदर चलेंगे। मम्मी को मैं बिठा के आई, मैंने कहा आप बैठे, मैं बाजी को चेक करके आती हूँ बाजी कहाँ रह गई। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगे हुए हैं, ठीक है भाई, ये आपको ₹17 में दो पैक मिल रहे हैं टक के, और बाजी क्रेजी हो गई, बाजी ने इतने सारे ले लिए। सो गाइस आप ये चेक करें कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत ज़्यादा रश है मॉल में, एक्सट्रीम रश है, ठीक है भाई। शॉपिंग वगैरह से हम लोग हो चुके हैं फारिग और बस अभी हम वेट करें मेले वाले का, मेले वाला भी आ गया, बस अब ये सारा सामान रखते हैं गाड़ी में। सो गाइस फाइनली भाई हम लोग बाहर आ गए, एक भाई अंदर ही कुछ अजीब ही माहौल है, और आज तो हमारा कारफोर आना भाई बड़ा शुभ साबित हुआ है गाइस। भाई हमें वहाँ जाके पता चला कि पांडो पे लगी हुई सेल, भाई हम तो हो गए पागल, हमने कहा यार ये क्या इतना रश, औरतें पागल हुई हैं, सारी पैन पे पैन पकड़े जा रही हैं पकड़े जा रही हैं। मैंने कहा अम्मी चक्कर गया, पा जाके पता चला गया भाई यहाँ का फ्लैट 50। मैंने कहा अम्मी
आ जाए फौरन चेक कर लेते हैं। सही है। सो हमने भी ले लिए हैं बर्तन। ठीक है गाइस, आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा अंधेरे में। सही जी गाइस, सो भाई वी आर फाइनली बैक होम। बहुत ज्यादा रश था और गाइस मैंने कानपुर में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। रीजन ये कि भाई वहाँ पे लगे हुए थे गाने ठीक ठाक किस्म के भाई। सही, 50% फ्लैट सेल लगी हुई थी। खवातीन की खुशियों का कोई अलग ही ठिकाना था। सही है। सो खैर हम लोग भी पागल हो गए थोड़े बहुत पार्टी वाटे देख के गाइस। सही है। खैर हम लोग बहुत अच्छी शॉपिंग करके आए। तो बस अभी जो है बस मैं जरा डिनर का टाइम हो रहा है, मुझे रोटियां बनानी है। आपकी बहन जरा किचन से फारिग हो जाए फिर आप लोगों से करती है कनेक्ट। और मुझे अभी याद आया कि मैंने आप लोगों को कल फ्लावर्स भी नहीं दिखाए थे। सो अभी फ्लावर्स भी दिखाऊंगी आप लोगों को, आज की शॉपिंग भी दिखाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ी देर बस आप लोगों से कनेक्ट कर। ठीक है भाई। सो भाई डिनर वगैरह से हमें हो चुके हैं फारिग और आपकी बहन ने किचन भी पूरा कर दिया है साफ नीट एंड क्लीन। ठीक है भाई। और मैं आज आप लोगों को बताई थी अपने ब्लॉग के स्टार्ट में कि भाई आज हमने जो है वो अपनी किचन की ड्रॉअर जो है वो पूरी सेट किए हैं, सारे स्पून वगैरह सेट किए हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज जो हमने काम किया है सुबह आज है भाई। गाइस चेक करते हैं, ये देखें भाई सारी ये जो बास्केट्स है ना, ये हम लोगों ने दराज से मंगवाई थी। ठीक है भाई। और इसमें हम लोगों ने सारी सॉर्टिंग कर दी है। ठीक है। ये जो है वो डिश के हैं सारे स्पून, ये हमारे खाने के स्पून है, इसमें सारी हमने कटलरी रख दी है, इसमें भी सारे डिश के हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। ठीक है। अब आपको चल के दिखाती हूँ शॉपिंग जो कि आज हम लोग कर कर आए हैं। ठीक है आज। सो भाई सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें हमारे फ्लावर्स जो कि हम लोग लेकर आए अम्मी के वास के लिए, लेकिन हमने इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पर रख दिया है। ये यहाँ के लिए नहीं है भाई, ये अम्मी के रूम के लिए। ठीक है। ठीक है जी गाइस, ये कल का पेंडिंग काम था जो कि मैंने आप लोगों को शो नहीं किया था, तो मैंने कहा चले आज आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं। सही। अब बारी आ गई है हमारे आज की शॉपिंग की। आज जो हम लोगों ने शॉपिंग की है बेसिकली वो सारे बर्तन है, और क्या क्या बर्तन है वो देख लें आप लोग। सो भाई ये है हमारी आज की शॉपिंग जो कि फ्लैट 50% पे हमें मिली है। ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये पैन का बता देती हूँ भाई। ये पैन हमने लिया है, हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस वाले पैन का, तो हमने कहा ये ले लेते हैं। और ये फ्लैट 50 में हम लोगों को मिला है 1150 का। गाइस इमेजिन करें 1150 का। सो हमने एक ये लिया है, एक अदद हमने तवा भी ले लिया। आप लोगों को पता ही कि भाई हमारा तवा कितना ख़राब हो चुका हुआ है। और तवे की स्टोरी कुछ ये है कि भाई अम्मी ने कहा था मैं तुम लोगों को नया तवा हरगिज़ नहीं लेके दूंगी, तुम लोग तवा ख़राब कर देते। मैंने कहा अम्मी मैं तो खैर बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती। सही। तो ये जो हमारा तवा ख़राब हुआ ना, ये मासी के हाथ लगा है, उसने इसका काम ख़राब किया। ठीक है। सो खैर अब नया तवा आ गया और ये हमें सेल में पड़ा है तकरीबन 1550 का। ठीक है। तो मतलब आप समझ लें कि ये 3200 का था, तो हमें जो है वो हाफ प्राइस में मिला है, तो ये भी बहुत अच्छा हमें मिल गया। और ये चेक करें ना आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग किसके हैं, ये किचन किंग भाई। इनके बहुत ज़्यादा महंगे बर्तन होते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी क्वालिटी A1 होती है। सो गाइज ये दोनों सेम साइज़ के हैं और ये जो है हमने दो लिए हैं। ठीक है भाई। इनका ये ओ इनके अंदर ये क्या आ गया, टक शक आ गया। सही है। सो गाइज ये जो है ना इसका है ढक्कन और ये हमें पड़ा है 1400 का। बताएं ज़रा भाई कितना सस्ता पड़ गया 50% में। आप सोचिए कितना डिस्काउंट पड़ गया। ये एक पैन जो है ना 2800 का था और ये सबसे छोटा साइज़ है। अब आप इमेजिन कर लें कि इनके बर्तन कितने ज़्यादा महंगे होते हैं। सही है। सो खैर हम लोगों को आज जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, और वैसे उम्मीद नहीं थी कि, और ना ही हम लोग इस नियत से गए थे कि हमें ये सब चीज़ें लेनी है। सही है। हम एक्चुअली तो हम वहाँ पर ग्रॉसरी की चीज़ों के लिए गए थे, और बाकी दूसरी जो है वो हमने ग्रॉसरी की चीज़ें ली हैं, शैम्पू वगैरह कुछ चीज़ें थी वो सब लेना था। सही है। सो ये हमारी आज की शॉपिंग थी गाइस, जो कि बहुत ही अच्छी हो गई हमारी। सही है। बजट फ्रेंडली थी। सही है। पढ़ के फारिग हुई तो मैंने कहा चले आप लोगों से कर लेते हैं कनेक्ट। सो भाई दो दिन ऐसे गुजरते हैं गाइस, इनका इतना इंतज़ार होता है कि ये कब आएंगे और ये आके चले भी जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक है भाई। आज का दिन भी हुआ ख़त्म और कल से बस फिर वही ऑफिस, और जब ऑफिस होता है फिर आप लोगों को पता है भाई कुछ और तो हो ही नहीं पाता। एनीवेज गाइस आज के फिर मैं इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे करने लगी हूँ, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।